जी आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल रहमान। क्या हुआ, बच्चा कब आया था, क्यों आया था, और बच्चा के ऊपर क्या हुआ है? वो छेड़खानी केस में आया है बच्चा, कल रात में आया है बच्चा, और रात में शायद 10-12 लड़का मिल करके उसको पीटे हैं, और जितना भी खाने पीने का सामान दिया गया था वो सब छीन के खा गए हैं सर। तो आपको कैसे पता चला? जब हम सुबह में आए, आप जब मुलाकाती करने आए तो मेरा बच्चा को वही देख रहे हैं कि आग पूरा ग्रीन हो गया है, और रो रो के बताने लगा पापा ऐसे ऐसा करके मारे हैं मेरे को, और वही पूछ करके हम लोग अंदर ढूके। देखिए वहाँ जो काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉई, उनको तो पूछे होंगे आप। देखिए आप लोग है या कस्टडी में रह रहे बच्चा लोग, तो आप क्या, आप लोग होते होते कैसे बच्चा के ऊपर हमला हुआ, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन लोग बोला कि हम लोग तो अपना पुलिस में हम लोग पूछ पछताछ कर रहे हैं, और आइंदा ऐसा नहीं होगा, हम अलग से रूम दे रहा हूँ इसको, अब जो गलती हो गया है हम इसको रात में पुलिसमेंट इन लोगों को करूँगा बोल के पूछ रहा हूँ बोल के बताया उसे। देखिए अलग तो कर देंगे, अगले आगे नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ हो जाता तो उन लोग का क्या जिम्मेदार होते हैं? बच्चा तो आपका कुछ नुकसान भी हो सकता है, तो उनका उन लोग को देखना चाहिए नहीं चाहिए? ये बात को बोले उनको कि अगर मेरा बच्चा अगर कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, तो बोला ऐसा नहीं कुछ होगा बोल रहा है, और अब ऐसा कुछ नहीं होगा इसका मैं गारंटी लेता हूँ। तो आगे आप क्या चाहते हैं? मेरा कुछ नहीं चाहता, मेरा बच्चा जब तक रहेगा मेरा बच्चा सेफ रहना चाहिए, मेरे को कुछ नहीं, मेरा बच्चा सेफ रहना चाहिए। आपको लगता है यहाँ बच्चा सेफ रहेगा? एक रात में अगर उसका ऊपर हमला हुआ तो आगे सेफ रहेगा आपको लग रहा है? आज तो जैसे भरोसा दिया है तो फिर देखते हैं, आज रात भर रह के फिर कल पता करेंगे क्या रिजल्ट आता है जो। तो अगर आपको कोई आशंका होगा या अगर कल अगर कुछ भी होगा तो बच्चा फिर क्या स्टेप क्या लेंगे? फिर इसका स्टेप जो होगा तो फिर हम लेंगे इसका स्टेप, कुछ कुछ तो स्टेप लेना पड़ेगा, नहीं लेने से तो नहीं छोड़ूंगा। हाँ स्टेप तो लूँगा। जी आपका नाम? मेरा नाम तबस्सुम परवीन। तो क्या हुआ आपका बच्चा जो? मेरा बच्चा कल मतलब आया इस जेल में, तो उसको 8-10 बच्चा मिल के रेड से भी मारे हैं, आँख में भी पूरा मारे हैं, तो यहाँ के जो है हेड वो मुझको आश्वासन दिए हैं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, जो बच्चा मारे हैं उनका नाम में कार्रवाई किया जाएगा। देखिए एक रात में बच्चा का ऊपर हमला हुआ है जी, क्या आपको लगता है जो जितना दिन रहेगा सुरक्षित रहेगा? मुझे तो मेरा बच्चा अनसेफ लग रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ बताइए, अब आप ही लोग बताइए क्या करना चाहिए। मेरा बच्चा का तो आप लोग देख उसका गति देखेंगे तो बोले, उसका खाने का जितना सामान हम लोग दिए थे सारा चीज़ ले लें, मेरा बच्चा अभी तक भूखा है, अब बताइए हम लोग क्या कह रहे हैं। यहाँ जो ड्यूटी कर रहे हैं वो लोग को भी ड्यूटी होना चाहिए जो बच्चा है। हाँ तो सुनिए ना, यहाँ का ड्यूटी है तो वो बच्चे लोग को क्यों चाबी देंगे, चाबी दे के बच्चा लोग गेट खोल के उसको मारा है, प्लस इसका जो खाना गया उसको भी खा लिया, अब जो हम मेरा भाई ला के भी दिया या मैं भी दी उसको भी रख लिया सब खा लिया, तो मेरा बच्चा अभी तक भूखा, फिर अभी हम लोग ला के दिए तो अभी भी वो खाया ही नहीं है, तो वो तो खुद रहने नहीं खोज रहा, मैं नहीं रहूँगा, मुझे भले जेल हो जाए मगर मैं नहीं रहूँगा। उसका अंदर इतना डर हो गया है, अब उसका आँख भी देखिए आप लोग जाके भी खुद भी देख सकते हैं, पूरा आँख लाल भी हो गया, ये जगह पूरा काला पड़ गया है, और रट से मारने खाने के लायक है, मोटा रट से अब 10-12 बच्चा एक बच्चा को पीटेगा। तो क्या चाहते हैं? सुबह नहीं, हाँ मैं इसके प्रति तो न्याय ही चाहती हूँ सर, ये तो बाल मतलब बच्चे लोग को सुधारने का केंद्र है, तो यहाँ मारपीट होगा तो बच्चा तो अनसेफ हो गया, तो मेरा बच्चा कैसे सेफ रहेगा, मैं वही चाहती हूँ। अब खैर तो यहाँ के बोले हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा बोल के, अब देखिए नंबर भी अपना दिए, रोज़ बात भी कर सकते हैं बोले हैं।